रोशन जी को बुलाऊं? अरे कमाल कर रही हैं, ये रोशन ही है भाई। मेरा रोशन किधर आ जाए, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं जी। अच्छा ये बताइए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हम बात करें, जो शो जब से शुरू हुआ है इसमें कुछ परिवार हैं जो हमेशा से ही एक मिलजुल कर रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सोडी परिवार के बारे में अगर हम बात करें, जब शुरुआत से लेकर अब तक इतने साल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों इस शो से शुरू से जुड़े आए? वो जी क्या है ना, अपने तो पंजाबी बंदे है गए हैं, दिल खोल के रहते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, और कोई पंगा आ जाए, कोई पंगेबाजी कर ले तो सबसे आगे रहते हैं, और तेरी ऐसी की तैसी, तेनों तो मैं छड़ांगा नहीं, और अपने परिवार के लिए तो जान छिड़कते हैं जी। रोशन डार्लिंग से बहुत प्यार करते हैं, पारसी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सोनी सी है, बड़ी भोली भी है, बड़ी टेंशन भी हो जाती है मुझे, इतना भोलापन होना चाहिए पर ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, पारसी उतने ही स्वीट होते हैं, सिंपल होते हैं, अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, और मैं तो कभी तेरा मजा नहीं उड़ाया यार। तो मैं खुद मेरा मजाक उड़ा रही हूं, क्यों? तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं मेरा मजाक उड़ा रही हूं कि मेरी वोटी है, क्यों मैं मेरा मजाक उड़ा रही हूं? तेरे को प्रॉब्लम है? आई लव यू, आई लव यू टू। ऐसे हैं रोशन एंड रोशन। बोलो गणपति बप्पा। आप तीनों के लिए सवाल है, हमने बचपन से आपको देखा है और अब तो आप सब बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, जवान हो गए हो, कैसा बदलाव कैसे देखते हो और कैसे गुजरी मतलब अब तक की जिंदगी इस तारक मेहता के सेट पर? बहुत यहाँ से स्टार्ट हुई, बचपन यहाँ से स्टार्ट हुआ, टीनेज भी यहाँ गया, अब एडल्टहुड जो है हमारा वो भी यहीं है, मतलब हमने सारी चीज़ें यहाँ देखी है। हमारा जो 11 साल मैं मतलब आया था तब 10 साल का था, तो मेरा पूरा बचपन रिकॉर्ड हो गया, तो मैं मेरे बच्चों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये मैं दिखा सकता हूँ कि मैं बच्चा कैसा था और कैसे बोलता था, और बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं और आज जहाँ पे हूँ आई एम वेरी हैप्पी। मुझे तो डेफिनेटली मन करता है कि दूसरे कैरेक्टर करने का, लेकिन अब ऐसा हो चुका है ना कि ये कैरेक्टर से ये सेट से इतना प्यार जो है ना, तो वो छूटना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन डेफिनेटली हम सबको मुझे इसको तो मन करता है, इसको भी मन करता है आई थिंक, तो हम सबको मन करता है कि हमें भी नए नए कैरेक्टर्स मिले, और हम लोग को बहुत खुशी मिलती है जब हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट कैरेक्टर करने मिलता है। नमस्ते, मैं हूँ अंबिका रंजनकर, आप सबकी कोमल भाभी। ओ कम ऑन, आप लोग मुझे जानते ही हो कोमल भाभी की तरह। अंबिका रंजनकर के बारे में अगर बताऊँ तो मैं थिएटर कर चुकी हूँ, मराठी, हिंदी, गुजराती थिएटर कर चुकी हूँ, और सीरियल्स में मैं तब से काम कर रही हूँ जब मैं मिठे भाई कॉलेज में पढ़ती थी। फिल्मी चक्कर नाम का एक सीरियल आता था, उसमें मैं कैमियोज करती थी, और बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने अभी तक, पर थिएटर मेरा फर्स्ट लव और फर्स्ट पैशन है। मैं तारक मेहता से 11 साल जब स्टार्ट हुआ था तब से जुड़ा हुआ हूँ। अगर निर्मल के बारे में बात करें तो निर्मल बड़ा जैसे डॉक्टर हाथी कैसा है कि खाने का शौकीन है, मस्ती मजाक करता रहता है, वैसा ही मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर है। और अगर फिल्मी जर्नी देखें तो व्हेन आई एम 19 मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था, जब बहुत सारी मूवीज़ की है, सीरियल्स की है। तो अच्छा, आप दोनों से ये सवाल है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं मॉल में या कहीं पर भी अपनी फैमिली के साथ, कोई आया है बोलेंगे कोमल भाभी या आपको डॉक्टर हाथी, डॉक्टर हाथी मतलब डॉक्टर समझ लेते हैं ऐसा कुछ? हाँ, बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं कि आप डॉक्टर हाथी हैं, प्लीज़ फोटोग्राफ्स यू। हाँ, लेकिन अभी एक बार ऐसा हुआ था कि पेशे से भी आपको डॉक्टर, हाँ मुझे डॉक्टर समझते लोग। एक दिन रात को 3 बजे मेरा फ़ोन बजा, तो मेरा क्या हुआ, डॉक्टर आप जल्दी, वो मेरा फ्रेंड मतलब फ्रेंड के फ्रेंड है, तो बोले डॉक्टर आप जल्दी आ जाइए एक इमरजेंसी पर। मेरा भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैरेक्टर डॉक्टर, बोले अरे हाँ भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। रात को 3 बजे मुझे ऐसा फ़ोन आया, अभी थोड़े दिन ही पहले ऐसा हुआ। मुझे हमेशा कोमल भाभी करके ही बुलाया है या कोमल आंटी बुलाया है छोटे बच्चों ने, बट सरप्राइजिंगली लास्ट 2 साल से मुझे अंबिका रंजनकर करके पहचानने लगे लोग, विच आई थिंक इज अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज एक कैरेक्टर का आपको मोहर लग जाता है बट आपकी असली आइडेंटिटी को भी पहचानना, अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज अपने इंडस्ट्री में किसी को एक बार स्टैम्प लग जाए तो दूसरा कुछ कैरेक्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट इट इन अनदर थिंग। तो मैं बोली कि मुझे अगर लोग वापस अंबिका रंजनकर करके भी पहचानने लगे हैं तो अर्न बोथ द नेम्स एज कोमल भाभी एंड एज अंबिका रंजनकर। पीपल नो दैट आई एम एन इंडिविजुअल
अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. वो बहुत ज़रूरी रहता है एक आर्टिस्ट के लिए कि आपको अपार्ट फ्रॉम कोमल या अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर लोग आपके नाम से भी आपको जाने. इतने सालों से ये सीरियल चल रहा है, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं बिड़े फैमिली को, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों में इस शो के ज़रिए कितना बदलाव खुद में आया है शुरू से लेकर अब तक? हाँ, काफ़ी बदलाव आया है. सबसे पहली बात तो इस सीरियल की वजह से हम हर एक त्यौहार मनाना सीखे जो पर्सनल लाइफ में हम लोग पहले नहीं मनाते थे, लेकिन इस सीरियल की वजह से हम लोग हर त्यौहार हर साल साल ब साल हम लोग मनाते आ रहे हैं. ये एक पॉजिटिव चेंज आया है. प्लस एक 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 बात कहना चाहूँगा, इस सीरियल के माध्यम से अलग अलग भाषा के लोग एक साथ आए हैं. तो आप जनरली लाइफ लो, अगर आपकी एक रूटीन लाइफ जब चलती है तो उसमें क्या होता है, आप इतने सारे लोगों के संपर्क में नहीं आते हो. लेकिन इस सीरियल की वजह से क्या हुआ, मतलब मैं पंजाबी लोगों के संपर्क में आया, मैं पारसी लोगों के संपर्क में आया, मैं गुजराती लोगों के संपर्क में आया, मैं बिहारी लोगों के संपर्क में आया. तो मतलब एक कॉस्मोपॉलिटियन जो एक चीज़ होती थी वो हम लोग एक साथ आए. एक साथ आने के बाद हमें पता चला कि हर एक का स्वभाव विशेष क्या है, हर एक के फेस्टिवल की विशेषता क्या है. तो ये बहुत एक मेरे लिए एक नॉलेजेबल बात हो गई कि बहुत सारे जो हम लोग अलग अलग लोग भारत में रहते हैं तो अलग अलग संस्कृति बहुत नज़दीक से जानने मिली. बिल्कुल, मतलब अभी मंदार ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सच है और यही मैं भी फील कर रही हूँ. 11 साल से हम लोगों ने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए तो उसमें भी हम लोगों ने यही सीखा कि एक साथ आ गए हम लोग सब. एक मिनी भारत होता है ना, वो लग रहा है, मतलब हमारी सोसाइटी एक मिनी भारत जैसी है. तो एब्सोल्युटली ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमें सब सबके रिलीजन, सबके जो त्यौहार है, जब सबके जो एक रिचुअल्स है वो सब पता है. तो वो बहुत अच्छी बात सीखने को मिली. और बदलाव सच ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग बहुत खुद को ढाल चुके अपने कैरेक्टर्स में. इतना इजी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसको और ज़्यादा निखारना है हमें. तो वो करते करते एंजॉय करते करते और, क्योंकि एक होता है ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है 11 साल के बाद वही कर रहे हैं, तो वैसा ना होने दे के हम लोग जितना उसमें ढाल सकते हैं खुद को, वो एक चीज़ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लगती है. तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग फिर भी अभी टिके हुए हैं, ऑनटोज है कि ये करना है वो करना है, कैसे हम लोग एनर्जी रखें और कैसे हम लोग कुछ अलग दें लोगों को और ज़्यादा हंसा सके. तो वो एक एक चैलेंजिंग अभी तक फीलिंग्स है, तो वो बहुत अच्छी बात है. हाँ,